हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अभी ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा हम इसको समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। ठीक है, वन बाय वन करके हम अगर यहाँ पे समझेंगे तो आपको यहाँ पर आइडिया मिलेगा। सबसे पहले देखिए, कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर दिया हो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लिस्ट ऑफ नंबर कोई भी दिया हो, थोड़ी सी हमारी राइटिंग थोड़ी सी है लेकिन ट्राई करूंगा कि मैं इसको इम्प्रूव करूं। कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर आपके सामने यहाँ पर दी गई हो तो उसमें क्या करना, जैसे मान लो कि कोई दिया हो A1 नंबर दिया हो, पहला होगा उसमें लिस्ट ऑफ नंबर में A1 होगा, ठीक है, दूसरा होगा A2, तीसरा होगा A3, चौथा होगा A4, ऐसे ऐसे करके ये लिस्ट ऑफ नंबर दिए गए होंगे। ठीक है, अब ये AP है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा, तो इसको पता करने के लिए आपने क्या कर देना है, डिफरेंट निकालना है। D1 कैसे निकलता है, देखिए प्रोग्रेसिव डिफरेंट होता है वो A2 - A1 होता है, A2 - A1, या तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं और करके, अगर मान लीजिए या तो ऐसे निकाल लीजिए, एक मिनट मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, या तो अगर मान लीजिए आप डी निकाल रहे हैं, ये D1 नहीं, डी आप बोलिए, ठीक है, वो तो पहले के लिए मान लीजिए फर्स्ट के लिए D1 लिख दिए, ठीक है, चलिए मैं D1 ही लिख देता हूँ, ठीक है, D1 ही लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया D1। अगर मान लीजिए आप D2 फाइंड आउट कर रहे हैं, D2 इसका मतलब A3 - A2 हो, या तो अगर आप मान लीजिए कि D4 फाइंड आउट कर रहे हैं, सॉरी D3 अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो A4 - A3, जितने भी दिए हों, जैसे यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर में A1, A2, A3, A4, A5 भी रहता तो आगे भी हम चेक करते। अगर ये D1, ध्यान से समझना, बिकॉज ऑफ में D1 इक्वल टू D2 आ जाए, इक्वल टू D3 आ जाता है, मतलब जितने भी यहाँ वैल्यू दिए गए होंगे लिस्ट ऑफ नंबर में उनका प्रोग्रेसिव डिफरेंट जो है वो अगर बराबर आ रहे हैं, तब आप कह दोगे कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर दिए गए हैं वो प्रोग्रेस अर्थमेटिक के सीक्वेंस है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अगर ये है तब क्या आप लिख सकते हो यहाँ पर, तब आप देयरफॉर लिख सकते हो कि दीज लिस्ट ऑफ नंबर्स आर APs। क्लियर, ये आइडिया मिलेगा, तभी आप बोल सकते हो कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर दिया है वो AP है या नहीं दिया है। ठीक है, मतलब AP में सबसे पहला होता है वो होता है इसको रिकॉग्नाइज करना, मतलब समझ पाना सिग्निफिकेंस उसका, कि मतलब पहचान कैसे कि ये AP है या नहीं है। ठीक है, अगर जब AP पता चल जाता है, अगर मैं बात करूं कि AP पता चल गया हो, ठीक है, तो आता है उसमें टर्म फाइंड आउट करने के लिए। क्या आता है, टर्म फाइंड आउट करने का मतलब nth टर्म फाइंड आउट करना। nth टर्म मतलब जो आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर है उसमें, जैसे कि मान लो कि कोई AP दिया हुआ हो, ये AP मान लो A1 दिया हो, A2 दिया है, A3 दिया है, A4 दिया है, सॉरी ऐसे कोई आगे और भी इतने नंबर दिए हैं और डॉट 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 करके ऐसे लिखा है। अभी ये मान लीजिए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया है, मान लीजिए बोल रहा है कि 10th टर्म फाइंड आउट करो, ठीक है, मतलब 10वां नंबर का टर्म फाइंड आउट करना है, तो कोई भी टर्म फाइंड आउट करना है ना, तो उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपने यूज करना है। An इक्वल टू होता है A प्लस ब्रैकेट में n-1 × D। ठीक है, इसमें आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि पहले बता भी देता हूं, इसमें An मतलब कौन से नंबर का टर्म बोल रहा है। अगर मान लो कि 10वें नंबर का टर्म बोल रहा है कि कौन सी वैल्यू होगी, तो n की जगह पर 10 पुट करो, यहाँ पे भी n की जगह पे n की वजह वैल्यू पुट करो 10 नंबर। A क्या होता है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, A को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, मतलब जो भी यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा होगा AP में, जो ये फर्स्ट स्टार्टिंग में लिखा है ना, उसी को बोलते हैं AP। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो हाईलाइट किया है ना, ये A फर्स्ट वाला टर्म, उसी को बोलते हैं A1, या तो उसको बोलो A, ठीक है, इसी को A1 भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट मैं इंडिकेट कर देता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर A1 भी बोलते हैं इसको और A भी बोलते हैं। क्लियर,
उसके बाद से यहां पर एन एन तो जो भी टर्म बोले ठीक है, नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहा है ठीक है, जो नंबर का टर्म बोले, दसवां नंबर था दस एन की वैल्यू होगी, इलेवन नंबर पे कौन सी वैल्यू होगी तो एन की वैल्यू इलेवन हो जाएगी। और डी क्या है, कॉमन डिफरेंट है, क्या है कॉमन डिफरेंस है, क्लियर। तो ये चीज चीजें और जो ये ए एन है ठीक है, उसको भी मैं यहां पर लिख ही देता हूं, ए एन जो है उसको बोलते हैं nth टर्म, इसको क्या बोलते हैं nth टर्म, मतलब n नंबर वाला जो टर्म वैल्यू है उसको बोलते हैं ए एन, क्लियर। ये आइडिया आपको मिल गया होगा ठीक है। इस तरीके से हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, या सपोज कोई मान लीजिए कि कोई लास्ट टर्म दिया हुआ है और पूछ रहा है कि वो कौन से नंबर का टर्म है, मतलब n फाइंड आउट करना होगा ठीक है। a आप निकाल लोगे, d भी निकालने का आपको यही इसके पहले ही आपको टेक्निक बताया है, तो ये टेक्निक यूज करके आप मतलब आप कोई भी अगर आपके सामने दिया गया है वैल्यू तो वो आप फाइंड आउट कर लेंगे ठीक है। ये था इंट्रोडक्शन पार्ट, आगे मैं आपको एक्सरसाइज और एग्जाम्पल की भी समझाते जाऊंगा, तो आप देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू।